हाय गाइस, दिस दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम ekatvamacademy.com और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक छोटे से टिप्स कि अगले डेढ़ दिन में आपने किस प्रकार पढ़ना चाहिए। एक्चुअली डेढ़ दिन नहीं, तुम्हें छुट्टी काफ़ी अच्छी खासी मिली है। दैट इज आपको अकाउंट्स के बाद आज का हाफ डे कह सकते हो, कल का फुल डे, परसों का फुल डे, एंड देन यू हैव योर पेपर। तो आपने इसको किस प्रकार मैनेज करना है, तो मैं इसके ऊपर छोटे से टिप देना चाहूँगा। मैं बच्चों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगा, बेसिकली तीन। जिनका पूरा प्रिपरेशन हुआ है वो बच्चे फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी ए जिनको हम कहेंगे। जिनका सेमी प्रिपरेशन हुआ है, जिनको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, दैट इज कैटेगरी बी। एंड जिनका कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है और वो अब सीधा पेपर के लिए जाने वाले हैं, दैट इज कैटेगरी सी, या पिछले एक आध महीने में ही सिर्फ स्टडी किए हैं, वो कैटेगरी सी है। सबसे पहले तो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि कैटेगरी ए के जो स्टूडेंट है, जिनका पूरा प्रिपरेशन हुआ है, सभी क्वेश्चन आंसर राइटिंग हुए हैं, अच्छे से प्रिपेयर किया है, सब कुछ याद है, यू गो फॉर ओनली 4-star 5-star मार्क क्वेश्चन। आप ट्राई कीजिए कि अकाउंट्स का पेपर जिस दिन खत्म हो रहा है वो हाफ डे यू डू 4-star 5-star क्वेश्चन, दूसरा दिन फुल डे 4-star 5-star क्वेश्चन एंड रिविजन ऑफ द कंसेप्ट जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, एंड तीसरा फुल डे आप ट्राई कीजिए कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो पॉलिश कर सकते हो क्या। बस आपने इतना कर लिया तो आपका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अच्छा खासा प्रिपरेशन करके रखा हुआ है, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू अलॉट। जो कैटेगरी बी के स्टूडेंट है, जिनका मीडियोकर प्रिपरेशन हुआ है, आई विल रिकमेंड देम कि आप जो जो टॉपिक आपके नहीं हुए हैं वो आज अकाउंट्स का दिन जहां खत्म हो रहा है उस दिन आप कंप्लीट कीजिए, और दूसरे दिन अकाउंट्स के सेकंड डे कंप्लीट कीजिए। अगर आप ये कर लोगे तो ऐसे सिचुएशन में आपका काफी सारा काम हो जाएगा, जो आपके टॉपिक्स नहीं हुए जिनको आपको लगता है आपको करने चाहिए वेटेज वाइज। तो ये डेढ़ दिन यूज कीजिए उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए, या एक दिन 24 आवर्स यूज कीजिए इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए जो आपके नहीं हुए हैं, और फिर बचा हुआ जो आपका एक दिन है उसके अंदर आप पूरा का पूरा रिवीजन कीजिए। एक या दो दिन जो आपके हैं उसके अंदर आप पूरा का पूरा रिवीजन कीजिए कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप पॉलिश कर सकते हो। और फिर तीसरी कैटेगरी है कैटेगरी नंबर सी के बच्चे, कि जिनका कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, लास्ट मंथ में पढ़ना शुरू कर दिया, किसी प्रॉब्लम का जैसे इशू हुआ है, कृपया आप आज वन डे रिविजन देखिए। आप पहले तो ये ट्राई कीजिए कि आप कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए, सो दैट एमसीक्यू आए तो कंसेप्चुअली आप उसको सॉल्व कर पाए, कोई कंटेंट आपका रिटर्न हो जाए, तो आप वन डे रिविजन देखिए। जिस दिन आपका अकाउंट्स का पेपर खत्म हो रहा है उस दिन आप वन डे रिविजन देखना शुरू कीजिए, दूसरे दिन के आफ्टरनून तक के आप वन डे रिविजन देखिए, और फिर उसके बाद में आप ये ट्राई कीजिए, मतलब सभी वन डे रिविजन आप फिनिश कीजिए, और उसके बाद में आप ये ट्राई कीजिए कि कुछ मेन क्वेश्चन एयर्स में से क्वेश्चन उठाइए या क्वेश्चन एयर पूरा पढ़िए, और उन क्वेश्चन को आप थोड़ा सा टेक्निक देख लीजिए किस प्रकार से लिखना है किस प्रकार से नहीं लिखना है। बस ये तीन कैटेगरी के स्टूडेंट इस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, तो आप जिस लेवल पे हो उससे थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो। बस इतने ही से ही टिप्स थे। सो दिस इज हाउ यू शुड मैनेज योर 2.5 डेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लॉ फॉर द सीए इंटर, ठीक है। सेम मैं सीए फाइनल के लिए एक वीडियो छोटू सा बनाऊंगा कि किस प्रकार आपने 1.5 डे आपके यूज करने हैं, वो सीए फाइनल के दिन ही आपके रिलीज होंगे, ठीक है। जिस दिन आपका पेपर खत्म हो जाएगा, दैट इज थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर के दिन मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि किस प्रकार आपको लॉ का प्रिपरेशन 1.5 डेज के लिए करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।